है एवरी वन दिसन है गुप्ता वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल सो रिसेंटली ये आर्टिकल बहुत ट्रेंड में है आप में से मेजरली लोगों ने देख लिया होगा या फिर जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल है इनकम टैक्स ग्लिचेस गवर्नमेंट में वेव लेट फाइन इन्फोसिस अंडर प्रेशर सो एज पर माई व्यू अगर इन्फोसिस प्रेशर में होती तो अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती हम लोग अभी तक नए पोर्टल की ग्लिच से फाइट कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने का जो नहीं हो रही है और भी बहुत सारे फॉर्म्स uh, तो अभी तक लॉन्च नहीं हो रहे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं आई है और ग्लिचेस का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा जा, प्रॉब्लम हो रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं है एक तरीके से सो एज पर माई व्यू इन्फोसिस कोई प्रेशर में नहीं है ऑल इस आर्टिकल में एक बात लिखी गई है जहाँ पे लिखा गया कि सोर्सेज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लेम दैट इन द मीटिंग लास्ट मंथ इन्फोसिस हैड सॉट टाइम टिल जुलाई फिफ्टीन टू फिक्स टेक्निकल ग्लिचेस इन्फोसिस ने टाइम मांगा 15 जुलाई तक का However, Infosys have not been able to fix all the problems. जब Infosys सारे problem fix नहीं कर पाई तो government ने क्या action लिया Government सोच रही है कि हम late fine हटा देते हैं और deadline extend कर देते हैं So Infosys को तो support मिल गया अगर Infosys अभी भी return नहीं कर पाई portal को अच्छे से launch, तो government क्या करेगी Deadline extend कर देगी late fees waive कर देगी इसके सिवा तो और कुछ नहीं होगा ना Infosys तो अभी भी अपना पूरा टाइम ले रही है जो अल्टीमेटली सफर है वो है प्रोफेशनल्स और द जनरल पब्लिक एट लास्ट जो अपना अप काम करने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर पा रहे हैं जो काम एक घंटे में हो जाता है उसको अब हम लोग चार चार पाँच पाँच घंटे लगा रहे हो फिर भी वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है बट स्टिल जो हमें आ, रिजल्ट मिल रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट डेडलाइन एक्सटेंड कर देगी और लेट फीस भी हो जाएगी ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए क्योंकि अगर अभी बात करें तो टी की लास्ट डेट आ रही है टी की लास्ट डेट है और मुझे नहीं लगता कि इतनी ईजली सारी टी डी रिटर्न टी सी इनकम टैक्स पोर्टल से सब चीज़ें हो जाएगी फाइल अगर यही ग्लिचेस चलते रहे तो अगेन इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है जो 15 सी ए सी की डेडलाइन एक्सटेंड हो गई मैनुअल फाइल करने की ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स लग गए तब भी 15 सी ए सी मैनुअली जा रहा है एंड आई सीरियसली डाउट कि गवर्नमेंट कहीं ये ना कह दे कि अब से हम मैनुअली आई फाइलिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन फाइल नहीं हो पा रही हमारा पोर्टल रेडी नहीं है ये हो सकता है चांसेस आता है कि मैनुअली फाइलिंग हो जाए सो so, अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया को एक आईटी हब कहा जाता है इंडिया में आउटसाइड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स है आई को लेकर और ख़ुद का पोर्टल एक सिंपल नॉर्मल पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा है इंडिया का सो so, ये क्वेश्चन सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल के लिए नहीं है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए नहीं है ये क्वेश्चन उन सारी आई कंपनीज के लिए भी हैं कि वो अपना काम या तो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे कि एक जनरल पब्लिक एटलाज को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अगर उनका काम ठीक से मैनेज होता इसका एक बीटा वर्जन लॉन्च किया गया होता पहले उसको टेस्टिंग की जाती और जब वो ढंग से एक्चुअल में चलता तब पुराने पोर्टल को हटाया जाता अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होते तो शायद ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती आई डोंट नो द रीजन कि ऐसा क्यों हुआ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होता अगर आईटी कंपनी ढंग से काम करती है तो अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई अपना फॉर्म सिक्सटी भी के थ्रू आई फाइल करने की कोशिश करता है तो डबल सैलरी दिख दिखती है जिस वजह से वो आई फाइल नहीं कर पाता या फिर तीन तीन चार चार मल्टीपल बैंक अकाउंट्स दिखते हैं एक बैंक अकाउंट तीन से चार बार दिखाया जाता है So, एक अगर हम ट्विटर ट्रेंड की बात करें तो इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर इतना मजाक बन चुका है जहां पर मैंने अभी लेटेस्ट में पढ़ा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी आई फाइल करोगे तो हो सकता है आपको रिफंड आने की जगह नोटिस आ जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सो so, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस तरीके से अगर काम होगा तो जो करोड़ों आई फाइल होनी हो वो कैसे होगी अगर जिसमें एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि फोर्टी थाउजेंड आई एक दिन में फाइल हो रही है तो इस हिसाब से तो नंबर ऑफ ईयर्स लग जाएंगे हमें आई फाइल करने में जहाँ थर्टी फर्स्ट जुलाई पहले लास्ट डेट हुआ करती थी अभी डेडलाइन एक्सटेंड होके थर्टी सितंबर हुई है तब भी मुझे नहीं लगता कि वो उस डेट तक भी सारी आइटिया फाइल हो पाएगी अगर इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल काम करेगा तो लॉग इन करने में ही एक एक घंटा लग जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपने लॉग इन करने के बाद किसी और टैप पे क्लिक कर दिया तो चांसेस आ जाएगा आप लॉग आउट हो जाओगे अगेन फिर आप सब काम दोबारा करो सो so, मेरी रिक्वेस्ट यही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि अगर हो सकता है तो पुराना पोर्टल वापस आ जाए न्यू इन्फोसिस को टाइम दे दिया जाए कि वो ढंग से काम करे बहुत अच्छे तरीके से यूजर फ्रेंडली एक बहुत अच्छा एक्टिव फास्ट पोर्टल लेके आए उसके बाद ही पुराने पोर्टल को हटाया जाए बट तब तक के लिए जब तक ये नहीं होता है वी हैव टू सफर वी हैव टू वेट एंड लेट्स ही क्या होता है एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय